नमस्ते, जय हिंद, जय हिमाचल। आज मैं अपने इस ब्लॉग में आपको चंबा का फेमस जो है वो भूरी सिंह म्यूज़ियम दिखाऊंगा, जो कि चंबा की शान है। और 1908 में जो है इस म्यूज़ियम का फाउंडेशन रखी थी फोगल जी ने, जो क्यूरेटर थे, फाउंडर क्यूरेटर थे। और चंबा कोई भी टूरिस्ट घूमने आता है तो वो इस म्यूज़ियम को देखना नहीं भूलता है। तो आप भी इस ब्लॉग को ज़रूर देखें। और क्या क्या है इस म्यूज़ियम में, आपको इस म्यूज़ियम के अंदर का मैं अपना इस ब्लॉग में दिखाता हूँ। थैंक यू। जल्दी जल्दी कर लीजिए। ये 17वीं शताब्दी का दरवाजा है। 1700 चंबा में ऐसे बनवाए जाते थे पहले, और ये जो आप देख रहे हैं ये 1000 साल पुराना। और इस पर टाकरी लिखी जाती थी पहले। आपकी जैसे आपकी धोती चलती है वैसे ही यहाँ पे आज से 1000 साल पहले टाकरी चली थी, तो ये टाकरी में बनवाया गया था। और ये लगभग 1000 साल पुराना। चंबा में स्टोन वर्क पे बहुत अच्छी टाकरी है। ये चंबा की फेमस पेंटिंग है। और जो घर का जो मेन डोर होता है ना, जैसे दरवाजा होता है, उसको डेकोरेट किया जाता था और इसको बोलते थे बंग द्वारे। ये हमारी चंबा गैलरी है। इसमें आपको थोड़े थोड़े सैंपल सारे देखने को मिलेंगे, जैसे मिनिएचर पेंटिंग सैंपल देखने को मिलेंगे, कुछ वहाँ पे वेपन है वो देखने को मिलेंगे। ये चंबा का एक बड़ा अच्छा नाम है चंबा उन्माद। ये चंबा बना है, इसकी खासियत क्या है, ये दोनों तरफ से एक जैसा रहता है, सुई से बनाया जाता है और ये बिल्कुल बिट्टो रहता है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। जब एक बार कंप्लीट ये हो जाता है तो पता नहीं लगता कि इसका अगला भाग कौन सा, पिछला भाग कौन सा है, ये दोनों तरफ से रहता है। महंगा आज की डेट में रहता है चंबा रुमाल है। पुराने जमाने में राजा ऐसे युद्ध लड़ते थे। और ये यहाँ पे अलग से अंग्रेजों ने जो भी यहाँ के राजाओं को दिए, यहाँ के लोकल जो क्राफ्ट मैन वो बनाते थे। ये दीवारें हैं फिल्म महल की जिनके ऊपर पेंटिंग हुई थी, तो हम पूरी दीवारों को काट करके यहाँ पे, जैसे लाल मोनेस्ट्री के अंदर है ना, काबू में भी है, लालन में भी है उसमें। बट ये वो बहुत पुरानी है और ये 300 साल पुरानी है। हजार साल पुरानी मूर्ति देखिए आप, ये देवदार की लकड़ी है ये, और एक ही पीस से पूरा पूरा बनाया गया है। ये राजा शाम सिंह हैं, ये जो मुगल हैं और ये राजा श्री सिंह हैं। अलग अलग राजाओं के पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे। ये बनाए खुद है? मिनिएचर पेंटिंग की कलेक्शन के लिए बहुत फेमस है, इवन वर्ल्ड में बहुत फेमस है। ये मिनिएचर पेंटिंग होती है छोटे से पेपर के ऊपर पेंटिंग बनाना। तो यहाँ हमने दिखाया है कि एक पेंटिंग कैसे बनती है, जैसे उसका पहले ड्राइंग बनाई जाती है, बैक कलरिंग की जाती है, फर्स्ट फेज ऑफ कलर, सेकेंड फेज ऑफ कलर, और फाइनली हमारे पास एक पेंटिंग बनती है। एक ही पेंटिंग के डिफरेंट स्टेजेस हैं। यहाँ पे हमने बताया है कि पेंटिंग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी, जैसे ब्रशेज जो थे। अच्छा, ये जो उस टाइम के जो ब्रश थे वो कोई गिलहरी से, कोई लोमड़ी से, कोई भेड़िए से, कोई भैंस से, कोई घोड़े से। आपको कितनी थिकनेस चाहिए, कितना मोटा चाहिए, कितना पतला चाहिए, ये डिपेंड करता है आप किस जानवर का बाल यूज़ कर रहे हैं। आप एक कटोरी में ना आप एक गोंद देख रहे होंगे, थोड़ा सा ये जो गोंद होता है ये कलर में मिलाया जाता था ताकि वो जो कलर है वो पेपर के साथ चिपका रहे। उसमें जैसे हम फेविकोल का यूज़ करते हैं वही ये रहता था। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँगा, जैसे कृष्ण के मुकुट के ऊपर ना जो आपको चमकीला, ये जैसे रत्न जैसे आपको दिख रहे होंगे ज्वेल टाइप,
उस टाइम सारा का सारा सिंथेटिक ऑर्गेनिक कलर होता था, तो इतनी ज़्यादा चमक नहीं बन सकती थी। सिंथेटिक कलर में बन जाती है, ऑर्गेनिक कलर में नहीं ये बनती। एक वो गुबरेला होता है ना जो गोबर में रहता है, इंसेक्ट रहता है, गोबर की हम उसको भूंड लेते हैं। उसके जो पंख होते हैं वो बड़े नेचुरली होते हैं, स्पार्किंग के, यहाँ हमने नीचे रखा है। इसके पंख को काट करके वहाँ पे स्टिक कर देते थे ताकि ये लगे कि इस बार आदमी की जो पेंटिंग है वो है दस लाख। और दिस इज द फाइनेस्ट पेंटिंग ऑफ दिस म्यूजियम, नियर अबाउट 80 लाख रुपीज। आपके पास सबसे अच्छा मोबाइल किसके पास है? 43,000। ब्लॉग बना रहे हैं मैं 6 महीने लगे हैं, और ये पेंटिंग जो है 1800 की है, 1800 ईस्वी की, आज से लगभग 222 साल पुरानी। और कागजों में जो लास्ट टाइम इसकी वैल्यूएशन की थी वो 80 लाख तक पहुंची थी। अब देखिए कितना बारीक काम इसमें हुआ है, ये इसकी स्पेशलाइजेशन रहती है मिनिएचर पेंटिंग की। सारा इसमें ये लिखा हुआ है और नीचे वाले में शारदा लिपि। ये हमारे पास कुछ कॉपर प्लेट्स हैं, दो कॉपर प्लेट होंगे, ताम्र पत्र। हमारे पास सबसे पुराना ताम्र पत्र है और जो है वो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। चंबा की जो स्थापना थी वो पाही रंग में हुई, और पाही रंग के पुत्र हुए युवा के रंग। तो अगर ये जी सो दिस आर टू द ओल्डेस्ट कॉपर प्लेट एंड दिस वन इज द रिलेटेड टू द 950 AD, 950 ईस्वी का। अभी चला है 2022, ये 950 का है। देखिए 1000 साल से पुराना ये कॉपर प्लेट है। लोग आए दिन किस किस चीज का कैसे कैसे यूज करते थे, जैसे गरीब लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे उस टाइम, उससे थोड़ा जो अच्छे पैसे वाले थे वो लकड़ी के बर्तन भी अफोर्ड कर लेते थे, थोड़े जो बेहतर थे वो पीतल वगैरह का यूज कर लेते थे, रॉयल फैमिली जो थी या बड़े जो हाई क्लास लोग थे वो पोर्सलिन का यूज करते थे, और जो राज परिवार था वो चांदी के बर्तन और ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी बहुत एक्सपेंसिव होती है, ये इंडिया में राजस्थान में पाई जाती है जयपुर में, और वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो चाइनीज जो ब्लू पॉटरी है वो बड़ी फेमस है। तो जो एक्सट्रीम लेवल के जो हाई रिच लोग होते थे वो सिल्वर वगैरह का यूज करते थे। चंबा में हमारे पास यहाँ पे तीन ट्राइब्स हैं, पंगवाले, गुज्जर और गद्दी। तो हमने ना केवल इनका पहनावा दिखाया है, बट एक्चुअली में वो दिखते कैसे हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, वो भी हमने इसमें मेंशन किया है। तो पंगवाले जो है मुझे लगता है स्पीति की और लाहौल का पार्ट है, तो स्पीति वालों से काफ़ी हद तक मिलते हैं, बट फर्क है। और ये गद्दी हैं भरमौर से, आप इनका चोला डोरा देख पाएंगे, ये ऊनी वस्त्र ही पहनते हैं, और हुक्का इनके कल्चर का बहुत जरूरी पार्ट है। ये राजा भूरी सिंह का शाही लवादा है जिसमें गोल्डन वर्क अंदर हुआ है, और आप देखेंगे कि इनकी जो हैंड स्टिक है ये हाथी दांत से बनी है, बहुत एक्सपेंसिव है ये हाथी दांत से बनी हुई। और ये इनकी चप्पलें हैं, इनकी चंबा चप्पल इनकी ही है। लग्जरी आइटम मानी जाती थी, जैसे आज के डेट में मोबाइल माना जाता है, जैसे उस टाइम हुक्का भी था कि किसके घर में कैसा कैसा हुक्का है। तो आप देखेंगे कि बैठक में रखने वाले हुक्के, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले हुक्के, और कमरे में बांधने वाले हुक्के, तीन अलग अलग टाइप के हुक्के ये हुआ करते थे। हाँ, और ये आप देख रहे हैं ऊपर जो एक पेंडेंट है, इसके ऊपर पत्थर से स्ट्राइक करके वो आग जलाती है, और ये बनाने के लिए ये तो स्पीति का लोग जरूरी है हमारे नहीं, स्पीति में हमें नहीं वहाँ है मिट्टी काली मिट्टी के लिए हुई। ये चंबा का लैदर क्राफ्ट है जिसको चंबा की कहते हैं, उसकी भी टाइम बिजली हुआ नहीं करती थी, तो घरों में लैंप रखे जाते थे अलग अलग टाइप। ये वीविंग वर्क है, किसी को टोकरी बनानी है,
ये भी मैंने कहा पीपर में मैंने देखा है, ये लोग बनाते रहते हैं अभी टोकन डैमुल में भी बनाते हैं। ये मास्किंग है टुल्लू कल्लू में जो मास्क का काम होता है वो, ये राजा के ड्रेस वगैरह यहाँ पे, ये ट्राइबल के डांस होते हैं वो वुडन मास्क पहन के करते हैं, और ये राजा का सेफ्टी गियर था। इस ये जो आर्मर है इसका 12 किलो का इसका वजन है, इसके अंदर लोहे की प्लेटें हैं और ये इसके ढाल तलवार वगैरह। और यहाँ जो आप देखेंगे ये राइनो हॉर्न है, ये गैंडे का सींग है, इसको अंदर से खोखला करके बाहर से इसमें हाथी दांत की कैप लगाई है। ये रखा था उन्होंने बारूद डालने के लिए, ये तोड़ी जाती बंदूकें होती थी ना भरने के लिए, उसमें बारूद का स्टोर करते थे और जो पाउच है उनमें आयरन बॉल करते थे ताकि बंदूक भर के। आदमी जीता है और मरता है पैसा, पैसा कहाँ से आया कैसा आया। तो आपके सामने जो सिक्के रखे हैं वो भारतीय इतिहास के सबसे पुराने सिक्के हैं, इनसे पहले कोई सिक्के थे ही नहीं। ये हैं मौर्य अशोका से भी पहले के, बुद्ध के समय सिक्के नहीं थे, महात्मा बुद्ध जो थे उसके पास सिक्के नहीं थे, उसके बाद सिक्के आने शुरू हुए। तो भारत के जो पहले सिक्के थे ये सिकंदर के टाइम के सिक्के हैं, मतलब सिकंदर के ही सिक्के हैं ये, ले जाने बैंक में है ना। और यहाँ पे फिर कनिष्क जो आया, कनिष्क ने अपने सिक्के निकाले। यहाँ पे आप पूरा देखेंगे कि सिक्का बेहतर कैसे होता जा रहा है, वहाँ पे थोड़े रफ थे, यहाँ पे थोड़े से हुए, फिर इंडियन किए, फिर कश्मीर जो था बहुत बड़ा साम्राज्य था, कश्मीरियों ने तांबे के सिक्के निकाले। फिर उतने में भारत में मुस्लिम आ गए, तो मुस्लिमों ने अपना कलमा वाला सिक्का जो था यहाँ पे वो चलाया। और फिर आए मुगल, मुगलों ने बहुत सारे सिक्के निकाले। मुगलों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपना रुपया निकाला, और जो सिख साम्राज्य था महाराजा रणजीत सिंह वगैरह, इवन आपका जो राजा था वो भी पंजाब में आता था, आपको पता होगा काजा कभी हिमाचल का पार्ट नहीं रहा, ये 66 में बना है ये काजा हिमाचल का पार्ट। तो आपके काजा में ये वाले सिक्के चलते थे, सिख साम्राज्य के सिक्के चलते थे ये वाले क्वाइन। और लास्ट में क्वाइन फ्रॉम द चंबा, चंबा के राजाओं के सिक्के। और यहाँ पे हमने ये बताने की कोशिश की है जो पैसा है वो धातु मतलब मेटल से निकल करके कब पेपर करेंसी में आया, कब वो टोकन मनी चेक जो होता है ना, चेक को फाड़ देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं गई, नोट को फाड़ेंगे तो वो वैल्यू गई। तो चेक जो है टोकन मनी होता है, जब तक आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू बैंक में नहीं लेते हैं तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। और चेक के बाद अब जैसे ATM आ गया है तो डिजिटल मनी हम उसको कहते हैं। अब इसका एक और एडवांस आ गया है क्रिप्टो मनी, QR से, या जैसे आप स्कैन करते हैं पैसा चला जाता है। आज की डेट में जैसे सैलरी वालों को ना सिर्फ एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में पैसा आया, देखा देखता कोई नहीं है, हाथ कोई नहीं लगाता है, सब कुछ हवा में चल रहा है। तो ये भी एक जो चांदी की जो ज्वेलरी है वो बहुत बनती है, ये अलग अलग टाइप के 9 लड़ी हार 7 लड़ी हार। किसी ने रानी हार सुना था? नहीं, रानी हार नहीं है, महिलाओं को भी पता नहीं कि रानी हार क्या था। किसी ने मलिका का सिक्का सुना? रानी हार जो था वो क्वीन विक्टोरिया जो थी उसके जो सिक्के थे उनके सिक्कों से बना के रानी हार बनता था। कैसी वो रानी हार होता था, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये होता था इसमें ना रानी, हमने यहाँ पे ज्वेलरी यहाँ पे लगाई हुई ये इसको राजा के जो शाही जो सवारी थी हाथी था, हाथी की सीट है, अंदर से ये देवदार की बनी है, बाहर से इसमें चांदी लगा हुआ है, ये लगभग 2 क्विंटल के आसपास का है ये। और इसमें आप देखेंगे कि चंबा का जो राज परिवार है वो सूर्यवंशी था, सभी राज परिवार अपने आप को बहादुर कहते थे, तो यहाँ जो शेर हैं वो बहादुरी की जो निशानी है। और इनकी जो इकोनॉमी थी वो रावी नदी के ऊपर चलती थी, तो 2 मछलियाँ जो हैं यहाँ पे रावी को कर रही है, तो ये इंसिग्निया है एक किस्म से यहाँ का, इनका राज चिन्ह हुआ करता था। शराब को रखने का अर्क छंग छान को, ये छान को रखने का स्टोरेज, हाँ ले चलते इसको काजा गांव की तो पूरी आ गई। बट वो मूर्तियाँ जो हैं वो जैसे 17वीं शताब्दी की, 8वीं शताब्दी की, 1200 साल पुरानी मतलब, और ये भी 8वीं शताब्दी की। ये जो चार हैं ये हमें नेशनल म्यूजियम दिल्ली से गिफ्ट मिली है, और ये जो है ये 2nd century AD की है, मतलब ये 1800 साल पुरानी ये मूर्ति है। और तो ये एक पूरा अवतार है, और यहाँ पे बताया जाता है कि डार्विन ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ करके जो कॉपी थी वो वेद पुराण में क्या है कि जीवन की उत्पत्ति पानी से हुई, पहला अवतार था वो मत्स्य था, दूसरा जो था वो कछुआ था, तीसरा जो था वो ग्रह था। तो साइंस और जो वेद पुराण है वो बहुत सिंपल है।
इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये छठी शताब्दी की मतलब 1400 साल पुरानी ये मूर्ति है। वैसे मैं 1400 बोल रहा हूँ तो शायद उतना वजन नहीं आएगा, पर अगर आप सोचें कि 1400 साल कितने होते हैं तो बहुत होते हैं, तो उसमें ये 1400 साल पुरानी मूर्ति आप देख पाएंगे। ये है चंबा म्यूजियम, भूल सिंह म्यूजियम जिसे बोलते हैं। और हमने फोटोग्राफी से लगाए हैं लोकल लोगों के लिए, जो लोग बाहर नहीं जा पाते वो देखें कि कहाँ कहाँ पे हिमाचल में और क्या क्या जगह देखने लायक है। जैसे ये एडवांस शिमला में, ये भी आपने कहा था।